नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी जो, और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव जल्द ही होने वाला है, तो इसी के लिए आज मैं आप पहुंची हूं वार्ड नंबर 59 के नई बस्ती में, जहां पर देखेंगे जनता की क्या क्या समस्या है। आपको बता दें कि नई बस्ती दवाई के लिए सबसे बड़ा होलसेल माना जाता है, तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से और यहाँ की जनता की क्या क्या समस्या है, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं नई बस्ती के गलियों में, तो आइए आज देखते हैं यहाँ की जनता से बात करते हैं कि क्या इन लोगों की परेशानी। जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन से दवाई की दुकान है, साथ ही आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की हालत है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों की समस्या को जानते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि नई बस्ती के कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं? अरुण चंदेल बोल रहा हूँ जी मैं। अच्छा सर, आप यहीं पर रहते हैं, कितने समय से आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं? 30 साल से हमें हमारी ऊपर हो गई दुकान यहाँ पे, 30 साल से, मोर देन 30 इयर्स। जी जी सर, फिर तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाल ही दिनों में गाजियाबाद में इलेक्शन होने वाला है निगम पार्षद को लेकर के, तो सर अब ये बताइए कि जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में किन्हीं दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? ये तो आप भी यहाँ आके देख रहे होंगे यहाँ का क्या हाल है। जी यहाँ जी, ये आप भी देख रहे होंगे, आप देखो कैमरा यहाँ घुमाओ, नालियों में सड़कों में कितना बुरा हाल है। जी, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं यहाँ पे है। जी, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। जी, पानी के लोगे, टॉयलेट के लेके, किसी तरीके की कोई यहाँ सुविधा ही नहीं है। जी सर, 5 सालों में यहाँ के पार्षद जी ने क्या काम करवाए, क्या थोड़ा बता सकते हैं? यहाँ तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। जी, अगर सड़कें भी टूट गई है ना, तो वो कैसे बनी वो हमें लोगों को पता है कैसे बनी है, थोड़ा बता सकते हैं आप इसके बारे में? अभी पार्षद जी का चेहरा ही नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, पार्षद जी ने 5 साल में यहाँ कोई दर्शन नहीं दिए। मेरा नाम अमित तायल है, हम पिछले 35 सालों से यहाँ हैं। आप देख रहे हैं ये दवाइयों का मार्केट है, हम लोगों को दवाइयाँ देके उनका स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लेकिन हमारे खुद के स्वास्थ्य यहाँ खराब हुए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, आज तक किसी भी पार्षद ने, ना उनकी वाइफ ने, ना पार्षद ने कभी भी यहाँ पे आगे दर्शन नहीं दिए कि भाई क्या समस्या है आप लोगों को, कोई हमारी पूछताछ नहीं है। जी सर, 5 सालों में क्या वो कभी भी एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए। अच्छा, तो सर क्या बता सकते कि साफ सफाई को लेकर के उन्होंने 5 साल में क्या कदम उठाए थे? देखिए, होने को तो होता है लेकिन बहुत लेट होता है, जब एक एक बार को 5-5 बार लिख के दिया जाता है तब जाके समस्या हल होती जी, है जी, जी। हाँ, ये नहीं है कि देखिए जिस सड़क पे आप इस टाइम खड़े हुए हैं ये सड़क 3 साल टूटी रही जी, ये भी 1 साल पहले ही बनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिक नीड है हम लोगों की, जैसे पार्किंग हो गई, टॉयलेट हो गई, ये फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलती है और हम लोगों से हाउस टैक्स वगैरह लिया जाता है। जी, तो इसके बारे में कुछ हो सकते हैं पार्षद जी और सरकार, गवर्नमेंट, जो भी नए पार्षद आए जो हमारी परेशानियाँ हैं दूर करें। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पूरा जाम है, सब जगह स्कूटी और बाइक खड़ी हुई हैं। जी जी जी। तो हम जो हम लोगों का जो गुड्स आता है उसके लिए भी जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। ये जितने भी आपकी ज़रूरतें हैं, क्या 5 सालों में जो पार्षद थे आपने कभी इस अपनी ज़रूरतों के बारे में उनको जिक्र नहीं किया या फिर वो उन्होंने कभी समझा ही नहीं? नहीं, पार्षद जी को बताया, पीछे MLA साहब आए थे इलेक्शन से पहले, उनको भी बताया, अवगत कराया, ये सड़क 3 साल से टूटी हुई थी, ये अभी बनी है 6 महीने पहले। 3 साल हम लोग इतना परेशान रहे, यहाँ बारिश में पूरा पानी भर जाता था, सब लोगों को परेशानी होती थी, कोई स्लिप हो जाती, स्कूटी स्लिप हो जाती थी, किसी कोई गिर जाता था। ये भाई साहब यहीं रहते हैं, इनकी शॉप भी है यहाँ पे। हाँ जी सर, अपना नाम बता। हाँ जी, मूलचंद सिंगल नाम है मेरा। अच्छा, और कितने समय से आप यहाँ पे रहते हैं? मेरा जन्म ही यहीं का ही है। जी जी जी, थोड़ा आप बता सकते हैं किन किन समस्याओं का आपका सामना करना? देखो, सबसे पहले तो यहाँ नाली की समस्या है, जो कूड़ा मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ ये 6 महीने में नालियाँ, आज कूड़ा जो निकाला है, यहाँ की स्थिति दिखाओ आप कि क्या स्थिति है, नालियों की भी क्या स्थिति है, ये जो गाद है सारी ये जमी पड़ी है अभी तक भी, जबकि 1800 रुपये साल का इन्होंने पिछले 3 साल का बिल भेज दिया है जी। नगर निगम ने कि कूड़ा उठाने का, अब एक बार बताइए जब कूड़ा उठ नहीं रहा है तो बिल भी किस चीज़ का, लेकिन पर देना है, मजबूरी है, एक बार बिल आ गया तो देना तो है ही है, ये स्थिति है यहाँ। आपने कभी इसके बारे में या अपने पार्षद से जिक्र नहीं किया कि यहाँ पर आपने बिल दे दिया है 1800 रुपये का और यहाँ पर तो कभी सरकारी कर्मचारी जो है काम करने वालों कभी आता ही नहीं है काम करने? ऐसा है, जब कभी कंप्लेंट की जाती है ना तो तब आएंगे, ये स्वीपर आएंगे, थोड़ा सा सफाई कर देंगे। अब एक बार बताइए कहीं का उठा लिया, आज निकाला ये कई महीनों में, कहीं का उठा लिया, कहीं अब भी ऐसी डाल रखा है, नालियों में अब भी कीचड़ जमी पड़ी है, इनमें कीड़े चल रहे हैं, किसी का हेलमेट गिर जाता है नाली में, किसी का कोई सामान गिर जाता है नाली में, तो ये समझ लो वो बेकार है, फिर वो उसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कीड़े ही इतने पड़े हुए हैं यहाँ। तो सर
पाँच सालों मतलब जो यहाँ के निगम पार्षद वो कभी भी नहीं आए आप लोगों की परेशानियों को समझने? नहीं, यदि समझते भी है तो काम नहीं हो पाता। अच्छा, तो सर कभी जैसे काम नहीं करते हैं या फिर वो आते नहीं है, जब आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो क्या वहाँ पर कार्रवाई होती है या फिर? नहीं, ऑफिस में तो मैं नहीं गया, लेकिन पर हमने लेटर कई बार दिए हैं। तो जब लेटर का जवाब मिला कभी? कभी थोड़ा बहुत, बस वो स्वीप पर आ गए, थोड़ी बहुत नाली साफ हो गई, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। जी सर, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। मेन समस्या जो सफाई को लेकर के? सफाई की, हाँ बिल्कुल एकदम, बहुत ज्यादा लेडीज बाथरूम पानी को लगे समस्या है, कोई पानी टॉयलेट नहीं यहाँ पे है, कोई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बाथरूम की जगह नहीं है, इतनी बड़ी मनी बस्ती है और कई हज़ार मेट से इतनी बड़ी मार्केट है, कई हज़ार करोड़ रुपया गवर्नमेंट का यहाँ से जाता है हर महीने, कई हज़ार करोड़ रुपया रेवेन्यू यहाँ से जाता है, लेकिन उसके नाम से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो सर आपने जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लेडीज़ों के लिए बाथरूम नहीं है, इसके लिए भी नहीं है बाथरूम, तो आपने इसके बारे में पार्षद जी को कभी नहीं बताया कि यहाँ पर बाथरूम की भी व्यवस्था? जानते नहीं, उनको सब पता है। तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक? वो तो उन्होंने करना था, कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। तो उन्होंने कभी नहीं किया? कभी नहीं, आज तक भी नहीं करी। तो आप लोगों ने फिर से जिक्र नहीं किया इसके ऊपर कि आपने अभी तक? बात हुई है, करवा दे, कहते जगह नहीं है, कोई घर थोड़ा तोड़ के दे रहे, कहते घर जगह नहीं, कह रहे यहाँ पे है। तो सर अभी जो इलेक्शन होगा, कोई भी पार्षद आते तो उससे मेन मुद्दा आपका क्या होगा कि वहाँ पे शौचालय बनाए जाए लोगों के लिए? हमारे बाहर बाहर से इतने दो बाहर बाहर से कस्टमर सारे आते, सब परेशान होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस ये मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो सर ये बताइए कि जो सरकार की जो योजनाएं निकलती है तो यहाँ के निगम पार्षद ने कभी उस योजना से आप लोगों को अवगत करवाया? कभी नहीं। कभी योजनाओं का तो कुछ पता ही नहीं है कि कब ये कभी नहीं निकली है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो सर आपको जी सर आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा निगम पार्षद है वो फिर से विजय हो पाएंगे यहाँ पर? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो उनके क्या मुद्दे होंगे जिससे उनके वोट काटे जाएंगे? मेरे को तो बस अपने अपनी अपनी समस्याओं का ही तो है केवल। जी, जी जी, अब यहाँ की समस्या केवल साफ सफाई है, शौचालय है, बाकी इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं, पानी है, पानी का तो उन्होंने अब समरसेबल करा के पाइप लाइन डलवाई थी, उससे पानी आ रहा है। तो सर आपको पूरा यकीन है कि अगर जो इनके बाद कोई दूसरा पार्षद आते हैं तो वो आपके इन समस्याओं को हल करेंगे? मुझे तो लगता नहीं, लेकिन पर उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, उम्मीद है उनकी। परिवर्तन होना चाहिए सर, आपकी क्या राय है इस पे? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से चेंज करना चाहिए? आज माँ के दूसरे को मौका तो देना ही चाहिए ना, हम लोग मौका नहीं देंगे तो पता क्या लगेगा? जी जी जी, इन्हें तो देख ही रहे हैं 5 साल से, जैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। ये सर आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंदरी रहती है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है। अच्छा। ACRG सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है जी, जी, जी। हम सबके लिए दवाइयाँ देते हैं, सबके रोड यहीं से हम दूर होते हैं, हम खुद यहाँ रोड में बैठे हुए हैं जी। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कैमरे से, अगर दिखाएं तो यहाँ पर लंदरी है, ये पिछले 2 साल से ये पुलिया टूटी हुई है, ये आज तक नहीं बनी, आज ये देखेंगे आपने, आज भी काफ़ी देखा हो रहा, वही चीज़ें हैं बस। तो सर यहाँ जैसा आपने बताया कि यहाँ पर रोड टूटी हुई है, गंदगी इतनी है, तो क्या ये पार्षद यहाँ पर आते नहीं है या फिर आकर के अनदेखा करके चले जाते हैं? मैंने तो जी आज तक देखा नहीं पार्षद को, ये कौन पार्षद है अभी तक का मैंने नहीं देखा। 11 साल तो मुझे भी इस मार्केट में काम करते हुए हो गए, पर मैंने नहीं देखा अभी भी। तो सर आपको लगता है कि अब की बार जो मौजूदा पार्षद है क्या वो फिर से विजय हो पाएंगे? इस हिसाब से तो नहीं, जिस हिसाब से उनका काम है उस हिसाब से नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि जब जो अभी इलेक्शन के बाद जो भी पार्षद बनते हैं आके, तो उन पे आपको पूरा पक्का उम्मीद है कि वो आपके सारी समस्याओं को हल करेंगे? वो तो पार्षद यकीन दिलाए ना उस चीज़ को, जो भी बने रहा वो यकीन दिलाए रहा जी, जब ही तो उसे वोट जाएगी। अच्छा, नहीं तो किसी को नहीं देंगे, नहीं तो नोटा पे दिया जा रहा वोट, सीधी बात है, नन ऑफ दिया वो हमें तो। तो सर ये बताइए कि जितनी भी योजनाएं निकलती है सरकार की, उस योजनाएं से आपको कभी उन्होंने अवगत करवाया? कभी नहीं, कोई योजना के बारे में पता भी नहीं है जी। तो सर ये बताइए कि किसी चीज़ में मान लो कि आपको सिग्नेचर करवाना है या फिर जैसे राशन कार्ड हो गया, बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सिग्नेचर करवाना हो, आपको ऑफिस जाना हो, उनके ऑफिस में कभी उन्होंने सुना हो या फिर अनदेखा कर दिया उस काम को लेकर? नहीं नहीं, वो ज़्यादातर ऑफिस जाने रहा, एक तो यहाँ टाइम नहीं होता, दूसरा वो मिलते भी नहीं अभी। अच्छा, जब भी जाते हैं कि अभी आना बाद में आना, वही चीज़ें होता है, मतलब कोई भी आपकी कार्रवाई की सुनवाई नहीं होती है? कुछ सुनवाई नहीं होती यहाँ। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ की जो निगम पार्षद है वो खाली नाम के ही पार्षद है, वो खाली वादे ही बड़े से बड़े करती है, उन वादों को ना ही तो उन्होंने कभी पूरा किया है और ना ही कभी कर सकती है। लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पार्षद है 5 सालों में ना ही तो उन्होंने कभी सफाई पर ध्यान दिया है और ना ही पानी को लेकर के,
ये कहा जाता है कि हर मनुष्य के लिए दवाई जो होती है सबसे मेन हिस्सा होता है। दवाई से ही हर लोग जिंदा रह सकते हैं। हर मनुष्य के लिए दवाई एक महत्व होता है। और जिस जगह ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर ही सफाई को लेकर के क्या हालत है आपने मेरे साथ देखा, और आपने यहाँ की जनता से भी, जनता की राय भी देखी। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों की राय जानते हैं क्या है उन लोगों के मुद्दे। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? नसीम खान। अच्छा सर, आप नई बस्ती में कितने सालों से दुकान? 40 साल। अच्छा, तो सर आपको तो पता होगा कि गाजियाबाद में कुछ ही समय में इलेक्शन होने वाले निगम पार्षद को लेकर के, तो सर यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? एक तो यहाँ पानी नहीं। अच्छा। और एक यहाँ लैटरिन की सुविधा नहीं आए कहीं भी मंडी में। जी। लैटरिन की सुविधा नहीं, पेशाब की कोई वो नहीं आए। और एक ये मोटरसाइकिल खड़ी रास्ता बंद है। जी। इसकी भी कोई पार्किंग नहीं आए। जी जी। हम मंडी है, दवाई मंडी भी है, वैसे भी कोई पार्किंग की समस्या। जी, तो सर आपने इन सारी समस्याओं कभी निगम पार्षद से नहीं बताया कि ये समस्या रखी थी? कौन सुन रहा? अच्छा, कितने बार आती है सर वो 5 साल में कितने बार आ चुके हैं? कई बार आ जी, एक बार भी नहीं आए हुए। एक बार भी नहीं आए अभी तक। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जितने भी सरकार की योजनाएं निकलती है उस योजना से कभी उन्होंने अवगत करवाया आपको? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो सर क्या आपको लगता है कि अब की बार फिर से वो दोबारा से यहाँ के निगम पार्षद बन पाएंगे? ये क्या पता जी, देखो। अच्छा हाँ, तो सर ये बताइए कि मेन समस्या यहाँ पर सफाई को लेकर के क्या कदम उठाए गए? सफाई तो कुछ नहीं आया, सफाई तो पूरी यहाँ थी। सर ये बताइए कि जो यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं हफ्ते में आते हैं या फिर महीने में आते हैं? यहाँ से तो रोज आओ सफाई वाला। अच्छा, वैसे ही मार गया मोटा मोटा लेगा। अच्छा, अच्छा। छुट्टी सर, जैसे ये देखने को मिल रहा है कि काफी नाले भरे हुए हैं हर जगह जगह, तो सर वो उसकी क्या कार्रवाई नहीं होती, उसकी सफाई नहीं होती कभी? कोई ऐसी सफाई नहीं होती खास जी। तो आपने इसके ऊपर कभी पार्षद या फिर नगर निगम से इसके ऊपर पत्र नहीं लिखा? हाँ जी लिखे है बहुत। तो उसके ऊपर कार्रवाई? कोई नहीं हुई कार्रवाई। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि यहाँ के जो निगम पार्षद है उन्होंने ना ही तो सफाई को लेकर के काम किया और ना ही पानी को लेकर के। मेन समस्या जो है इन लोगों की ये देखने को आ रही कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर ना तो पुरुषों के लिए शौचालय हो, ना ही महिलाओं के लिए शौचालय। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों की राय जानते हैं कि क्या क्या समस्या है इनको। सर क्या अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम बल्ला शर्मा है और मैं नई बस्ती का मूल निवासी हूँ। 127 मकान नंबर का मूल निवासी हूँ और पुलिस में रहा हूँ 35 साल है नी, और डिप्टी एस पी रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, तो सर ये मैं मेरे मोहल्ले में जब हम आए उसके बाद जो है नौकरी के पश्चात उसमें यहाँ आए तो देखा कि यहाँ बड़ी धांधली फैली हुई है। जी जी जी, है ना, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई समय समय पर। लेकिन पार्षद जो रहे हैं यहाँ पुराने या वर्तमान में जो पार्षद चल रहे हैं उनके द्वारा कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया गया जो कि ये दर्शाता हो कि जी उन्होंने नई बस्ती में कहीं इंटरेस्ट लिया। अच्छा, अच्छा व्यक्तिगत रूप से वो लोगों के कोई उनसे ऑब्लाइज कर देता था तो उसके लिए कोई काम करवाने के लिए तैयार हो जाते थे बियॉन्ड द लिमिट भी। अच्छा, ऐसा ही कई उदाहरण हैं जो समय आने पे जो आगे आगे इलेक्शन आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है तो सर उन्होंने 5 साल में क्या काम किए और क्या काम नहीं किए हैं, क्या थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? जहाँ तक इसका नई बस्ती का सवाल है तो यहाँ उन्होंने ये टाइल्स पर टाइल्स बिछवा दी ये दिखाने के लिए कि मैंने काम करवाया। एक बोरवेल का वो करवाया था यहाँ, उसका जो बिजली कनेक्शन है एक अपने मिलने वालों के यहाँ लगवा दिया जी। जिसे मेरे अथक प्रयास के बाद उन्होंने नगर निगम ने भाग करवाया है जी। तो सर क्या पानी को लेकर के उन्होंने क्या कदम उठाए थे यहाँ के पार्षद ने? पानी के लिए कोई ऐसा खास वो कदम नहीं उठाया गया जी। वो तो बाद में जब लोगों ने ज़्यादा आवाज़ उठाई और कहने लगे तो उन्होंने जरूर ये वो लाइन जो है इसके चारों तरफ करवा दी जी। उससे पहले वो थोड़ा लिमिट आदमी के लिए मौजूद जी जी। सर ये देखा आ रहा है कि साफ सफाई को लेकर के यहाँ पर कुछ भी कदम नहीं उठाया गया, तो सर क्या इसके बारे में आपने कभी यहाँ के निगम पार्षद से इसके बारे में जिक्र नहीं किया? ऐसा आए एक बार मैं उनके पास गया था इन्हीं बातों को लेकर, तो मैंने उन्हें 6:30 बजे क्योंकि 6:30 बजे मैंने उन्हें टेलीफोन करा था, तो उन्होंने ये कहने से कि मैं अभी सुबह क्योंकि उनसे संबंधित मैटर थे मैं उन पर विषय पर बात करना चाहता था, तो मैंने उन्हें बताया भी था
लेकिन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि अब तो सुबह 6 बजे हैं, तुम अभी अभी मेरे यहाँ आ रहे अच्छा, हो अच्छा। तो मैंने कहा भाई पार्षद का तो काम ही है कि सुबह 6 बजे बैठ जाओ, 8-10 बजे तक जनता की समस्या सुने। तो मैं उनके घर गया हूँ चंदरपुरी, तो मुझे देख के भाग गए थे। अच्छा, तो काम का उन किसी पर्टिकुलर आदमी के काम करवाए हों वो बात दूसरी है, लेकिन वो किसी उसमें सार्वजनिक रूप से किसी के उसमें काम करवाने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी इलेक्शन जो होने वाला है, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा निगम पार्षद है वो फिर से विजय हो पाएगा या फिर उन्हें बदलाव किया जाएगा? नहीं, ये तो अगर जो है बीजेपी से टिकट मिलता है तो क्योंकि लोकसभा का रुझान बीजेपी की तरफ ही है, चाहे वो गलत आदमी हो चाहे सही आदमी हो, तो यहाँ तो एक मेंटलिटी बन गई है कि जी उसे जिताना ही है जी, है नहीं? हाँ, यदि बीजेपी से टिकट ना मिला उन्हें, किसी और को दिया गया तो वो जीत जाएगा। अच्छा, उन्हें दिया जाएगा तो वो जीत जाएंगे, चाहे वो सही है या गलत है जी। वो तो यहाँ बीजेपी का ज्यादा गढ़ है जी जी जी। इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार की जीतने की ज्यादा उम्मीद। सर ये बताइए कि सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएं निकलती है, क्या यहाँ के निगम पार्षद ने आपको उस योजना से कभी अवगत करवाया? ना, कभी किसी योजना से नहीं बताया, ना उन्होंने कभी उस एक वे में जैसे कि मीटिंग करके लोगों को बताते हैं उसके बारे में कभी नहीं बताया। तो सर ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार वो सर्वे करने आते हैं, कितने बार आप लोगों की परेशानी को जानने के लिए आते हैं? ना, शुरू में तो वो आए थे। अच्छा, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, या तो उनका ये होगी जी किसी दूसरे वार्ड से टिकट ले लें, जैसा उसमें होता है MP MLA वाले इलेक्शन में कि जब काम ना करवाते हैं तो 5 साल में अगर दूसरी जगह टिकट मांग लेते हैं जी। तो हो सकता है कि जी वो दूसरी जगह से कहीं इंटरेस्टेड हों, कहीं उन्होंने और वो इंटरेस्ट लिया हो, लेकिन बीजेपी से टिकट मिलेगा तो जीतेंगे वो ही। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि आज का लोग बीजेपी पे ज़्यादा जाते हैं, ये कहा गया है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो बीजेपी पार्टी के ही हैं, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि यहाँ के निगम पार्षद जो है वो काम करे या नहीं करे, वो बीजेपी होने के चक्कर में उनको शायद लग रहा है कि अब की बार फिर से वो विजय हो पाएगी। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम सक्षम है जी, और मैं गाज़ियाबाद नई बस्ती का निवासी हूँ जी, और मेरा यहाँ पे मेडिकल का व्यवसाय है जी। बस तो सर ये बताइए कि अभी हाल ही दिनों में गाज़ियाबाद में इलेक्शन होने वाला निगम पार्षद को लेकर के, तो सर ये बताइए कि जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, क्या उन्होंने 5 सालों में सही काम किए, क्या वो काम है जो काम आपको सही नहीं लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने कुछ काम करे भी हैं और कुछ नहीं भी करे हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्था थोड़ी डगमगा रखी है कि नाले साफ नहीं होते प्रॉपर, और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बड़ी मार्केट होने के चक्कर में बड़े बड़े वाहन यहाँ आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ जाम बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैं उस हिसाब से ये कहना चाहूँगा उनसे इस माध्यम से कि व्यवस्था करें इस चीज़ की कि कोई टाइम बनाया जाए यहाँ पे कि इस टाइम से उस टाइम तक वाहन आए, और जो छोटे मोटे वाहन के उनकी आगन जानी है वो तरीके से हुए, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप किया है, और एक यहाँ पे जो है शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पे और कोई प्रॉपर शौचालय नहीं है यहाँ पे। सर कुछ काम बता सकते हैं जो काम उन्होंने करवाया है 5 सालों के अंदर? काम क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे जो पानी की लाइन थी वो सारी नगर निगम की हो गई है, पानी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे, मतलब कोई परेशानी नहीं, आप 24 घंटे कभी भी पानी की सेवा ले सकते हैं, और बाकी थोड़ी रोड वगैरह भी बनाई गई हैं, गलियों में साफ़ सफाई हो रही है पर प्रॉपर तरीके से साफ सफाई नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उनको इस चीज़ को लेकर। तो सर आपके हिसाब से कौन से वो काम उनको करने चाहिए जो काम नहीं किया उन्होंने? एक तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी साफ सफाई है वो प्रॉपर होना चाहिए, नगर निगम को ये देखना चाहिए जो गंदगी है, एक प्रॉपर गाड़ी लगानी चाहिए कि कूड़ा उठाने के लिए, कि वो भी मार्केट का कूड़ा होता है वो टाइम टू टाइम अब उठाया जाए, और बाकी शौचालय की मैंने बता दिया, शौचालय होना अनिवार्य है यहाँ पे कि इतने लोग आते हैं मार्केट से बस। सर क्या बता सकते हैं कि 5 सालों में कितने बार सर्वे करने के लिए आते हैं, कितने बार आप लोगों की समस्या को जानने के लिए समस्या आते के लिए? तो कभी कभी जब आप इलेक्शन का टाइम है तो आएंगे, वरना तो ज़्यादातर गायब ही रहते हैं वो, सच अच्छा, बात तो ये है जी। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि हमें एक नया कैंडिडेट ढूंढना चाहिए, और बहुत सारे हैं योग्य लोग जो रेस में लगे हुए हैं, तो मैं बढ़ावा देना चाहूँगा कि उनको मौका दिया जाए एक बार ही। उनसे क्या आपकी समस्या होगी, क्या आपके मुद्दे रहेंगे कि उसके ऊपर काम करें वो? बस मुद्दे मेन तो ये है कि व्यवस्था यहाँ की जो है वो सुधरी रहे, और पार्किंग की रहे, लोगों को परेशानी ना हो, जो जाम की समस्या है वो रहे, और वो रोड वगैरह जितना भी टोटल है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही रहे, ये कहना चाहूँगा। सर क्या अपना नाम बता सकते हैं? दिनेश कुमार सिंघल। सर आप इस मार्केट में कितने समय से रह रहे हैं?
मेरी इस समय 68 साल 68 साल उम्र है जी, यही रह रहे हैं शुरू से। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि हाल ही दिनों में जो गाजियाबाद में निगम पार्षद को लेकर के जो इलेक्शन होने वाला है, तो सर यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन दिक्कतों का सामना करना? सारी दिक्कतें जो कराई क्या उसने यहाँ सर कुछ पार्षद ने कुछ नहीं करा। देख आप देखो ना प्रेजेंट देखो सामने क्या स्थिति नजर आ रही है, सड़क की हालत देख लो, पार्षद का और क्या काम है यहाँ पे, ना सड़क है ना सफाई है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, अपने पैसे दे के भंगियों से माल उठवाया जा रहा है सामान यहाँ कूड़ा सारा। सफाई को लेकर के क्या कदम उठाए उन्होंने? पास कुछ नहीं करा जी। हाँ जी सर, ये बताइए नकारा बिल्कुल एकदम पार्षद हमारा जी। सर ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार यहाँ पर आते हैं आप सर्वे करने के लिए? आप लोग जब आया जब वोट लेना आया होगा, जब उसकी शक्ल देखी होगी यहाँ। अच्छा, उससे पहले उसके बाद एक बार भी नहीं आया को उसे जरूरत ही ना आया आने की। सर ये बताइए कि जब आपको किसी समस्या को सामना करना पड़ता है, जब आप निगम पार्षद के पास जाते हैं, तो क्या उस समय आपकी समस्या को हल को नोट देकर ठीक साफ करा लेते हैं? अच्छा, आप उनके पास नहीं जाते? हमें क्या जरूरत है, पार्षद को देखना चाहिए यहाँ के काम जी, जी, जी। पार्षद को देखना चाहिए यहाँ के, अपने वार्ड का उसे लेनी चाहिए जानकारी, या हम पार्षद के पास घूमते फिरेंगे? पार्षद नकारा बिल्कुल एकदम यहाँ का बेकार। सर ये बताइए कि जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है, तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का जो निगम पार्षद उसमें बदलाव किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव, चाहते हैं नहीं कि यहाँ पार्षद आवर दोबारा लौट के। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा सर का कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो उन्होंने ना ही तो सफाई को लेकर के काम किया है और ना ही पानी को लेकर के। इनका कहना है कि जो मौजूदा पार्षद है वो ना ही तो 5 सालों में एक बार भी यहाँ पे सर्वे करने आए हैं, ना ही यहाँ पे लोगों की समस्याओं का बात करने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पार्षद है वो ना तो कभी जनता की सुनती है, और साथ ही यहाँ की जनता कहती है कि यहाँ पार्षद में बदलाव किया जाएगा। इनको नहीं लगता है कि अब की बार फिर से वो दोबारा से पार्षद के विजय हो पाएंगे। हाँ जी बाबा जी, अपना नाम बता सकते हैं आप? ओम प्रकाश शर्मा। किस जगह रहते हैं? नई बस्ती। कितने सालों से? 70 साल से। अच्छा, तो आप ये बताइए कि हाल ही दिनों में जो गाजियाबाद में निगम पार्षद को लेकर के जो इलेक्शन होने वाला है, तो ये बताइए कि जो मौजूदा यहाँ के जो निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में सारे काम सही किए जितने उनको करने चाहिए थे? सारे काम तो नहीं करे, लेकिन जितने करने थे कर दिए। थोड़ा वो काम बताइए जो उन्होंने किए हैं काम। सड़क बनवाई है, एक पानी का कनेक्शन दिया है जी। सर उन्होंने साफ सफाई को लेकर के क्या काम किया है? साफ सफाई को लेकर उसके बस की ना करना। अच्छा, और सर पानी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके का काम किया है? पानी का नया वो लाइन डालवाई है। अच्छा अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि अब इस इलेक्शन में थोड़ा बदलाव चाहते हैं कि यहाँ के निगम पार्षद में बदलाव किया जाए? वो टिकट ना मांग रहा जो यहाँ का निगम पार्षद है, वो तो मेयर का मांग रहा। अच्छा, तो अब ये बताइए कि 5 सालों में वो कितने बार यहाँ पर सर्वे करने आते हैं? सर्वे वर्वे कोई ना करता, वो तो उसके आदमी आते हैं सर्वे करने। अच्छा, वो कभी नहीं आते आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए? वोट मांगने। अच्छा, वोट मांगने के समय ही आते हैं। तो अब बाबा जी ये बताइए, अपने वोट नहीं, वो और भी MLA की MP की। जी 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 जी, आप ये बताइए कि जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती है तो क्या उस योजना से कभी उन्होंने आपको अवगत करवाया है? अरे अवगत करवाएगा, वो टाइम ही ना आए अच्छा। किसी के पास ना आता है उसके क्या। अच्छा, हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं कि जब वो यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम अमर सिंह राठौर है, मैं गाजियाबाद में राजनगर स्टेशन रहता हूँ। जी जी जी, तो सर यहाँ पर क्या आप दवाई लेने के लिए आए हैं? हाँ, मेडिसिन लेने आया था। जी जी जी, सर कितने समय से आप आते हैं यहाँ पर? काफ़ी साल हो गए मुझे जी, काफ़ी 15-20 साल हो गए जी, जी, जी। आते हुए जी। तो सर थोड़ा बता सकते हैं कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर आते हैं? तो जब यहाँ आते हैं सर, प्रथम तो हमारे व्हीकल को रखने की जगह नहीं है जी, दूसरी बात यहाँ इतनी गंदगी है जो निकलना बहुत मुश्किल है, शायद आप दर्शा भी सकते हैं जी, जी, जी। नालियों की इतनी सड़ान उत्पन्न होती है, यहाँ खड़े होना भी भारी पड़ जाता है जी। और सामान इनके चूंकि ग्राहक ऐसे होते हैं तो इनके लाइन लगी होती है, तो हमको भी जो है वेट करना पड़ता है, वेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का, यानी बीमारी का ये समझ लो कि बुलाना जी। दूसरी बात ये है कि सुझाव ये था हमारा कि ना शौचालय की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कायदे में जो है गवर्नमेंट को लाइसेंस जब ही प्रोवाइड करना चाहिए जब उसे दो चीज़ों की सुविधाएं, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए, रोडें बिल्कुल सही होनी चाहिए, ट्रेवल्स वगैरह रखने की जगह, जब तक कि वो मकान मालिक इन चीज़ों को ना करे तब तक कि उन्हें जो है वो
ये लाइसेंस नहीं देना चाहिए जी, जी, जी। लेकिन हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमें दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, तो और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी ख़रीदने होते हैं, हमें मार्केट में आना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से रूबरू होना भी पड़ता है। और हमें मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है, तो हम उस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं और ये बड़ी दिक्कतें हैं और एक दूसरे में धक्का मुक्की आप देख भी सकते हैं। ये इतनी मेरा ख्याल 12 फीट चौड़ी रोड ये सड़क होगी, लेकिन उसके बाद आप अकेले नहीं चल सकते हैं, इतनी तो व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, आगे पीछे दाएं बाएं महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, एक दूसरे से रगड़ा और उससे भी जो थोड़ा असुविधा उत्पन्न होती है, अपने आप को इजिटेशन महसूस होती है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी महिलाएं हैं, तो ये आना जाना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, फप्पियाँ कसते हैं कहीं लड़कियों पर, कहीं मतलब महिलाओं पर, तो उनका भी निकलना बड़ा भारी पड़ जाता है। हम लोगों के लिए अगर ज़रा सी अगर हम लोग जो बोलते भी हैं तो उल्टी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रशासन शासन ये सब जो है नाम मात्र हैं, केवल खाना पूर्ति हैं, अपने वहीं एसी में बैठे रहते हैं, अपनी खाना पूर्ति करते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा कर दिया। कई बार हमने प्रयास भी किया, हमने अपने मोहल्ले में प्रयास किया था, बहुत सारा घरों में पानी भर गया था नालियों की वजह से, तो उसमें पार्कों में ये खुद नगर निगम वाले ही जो है कूड़ा डालने लगे थे, हमने उसको अप्लाई किया, ये जन सुनवाई केंद्र है तो उसमें भी मैंने जो सीएमओ की पोर्टल है उसमें भी डाला था, लेकिन क्या है नगर निगम वाले मतलब मैं शायद मेरा फ़ोन नहीं है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास और रखा हुआ है घर पे, उसमें भी केवल ये खाना पूर्ति करते हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ही अब ये लोग भी मजबूर हैं क्योंकि इन्हें व्यवसाय करना है, जीविका पालन करनी है, आज इतनी महंगाई आ गई है, इतनी बुरी हालत आ गई है, नौकरियां भी छटनी हो रही हैं, नौकरियों के जो मालिक हैं वो भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बड़ी असुविधाएं हो रही हैं। अब करे तो आदमी कहाँ जाए और किसके पास कहे जा करके, ये समस्या बहुत बड़ी है, आज के समय में सुनने वाला कोई नहीं है, ये सच्चाई है। अब चाहे कोई इस चीज़ को किसी रूप में ले, लेकिन जो मेरा बीता हुआ है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके सामने अपने वक्त में रखा। सर, जैसे कि अभी हाल ही दिनों में निगम पार्षद को लेकर इलेक्शन होने वाला है, तो सर क्या आपको लगता है कि जो अब जो इलेक्शन में जो भी विजय होगी निगम पार्षद, तो आपको लगता है कि वो पार्षद आपकी सारी समस्या को हल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक मानसिकता भरी हुई है, जब से हमारा नगर निगम बना हुआ है, जब से बीजेपी का ही नगर निगम में अस्तित्व रहा है, मेयर उनका रहा, मतलब शासन प्रशासन सब कुछ उनका रहा, पहले तो ये कहते आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार नहीं है, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है, इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, बल्कि मेरा ख्याल हो सकता है 20-22 राज्यों में भी सरकार होगी, अंदाजन बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेट नहीं बता कि मतलब अधिकांश 90% इनकी सरकारें हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया भरे की भाषाएं प्रयोग करते हैं, इनमें घमंड भरा हुआ है कि हम तो जीते जिताए हैं। अब इन पहले इनको शासन प्रशासन से कुछ इन सब चीज़ों की सरकारी तंत्रों की जानकारी नहीं थी इनको, लेकिन अब शासन में बैठ करके सरकारी तंत्र की जानकारी हो गई तो बहुत अच्छी तरीके से घोटाला कर सकते हैं ये, और कर भी रहे हैं, बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं। हाउस टैक्स कितने बार बढ़ाया है, मेरा ख्याल 15-16 बार बढ़ा दिया होगा। और दूसरी बात ये है, ये उठाने का काम, जो ये कूड़ा उठाने का काम, ये अभी भी इसके नाम घोटाला जो पहले अंशु वर्मा थे उनके नाम चल भी रहा है कि जो है बहुत सारी बकेट वगैरह जो रखी गई थी उनमें घोटाला किया गया था, इन्होंने घोटाला किया, तो ये बहुत ही परिपक्व हो चुके हैं, जैसे डॉन होते हैं माफिया होते हैं, इस तरीके से बहुत परिपक्व हो चुके हैं, इनको पता है कि मुझे जीतना ही जीतना है किसी भी रूप में, जुआ जुद्धम छलम बलम से, ये सच्चाई के रूप में नहीं जीते हैं। जनता हमारी ये बहुत ही डरा हुआ है, भयावह है, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पता चला कि इनको या तो देशद्रोही में बंद कर दिया जाएगा या ईडी या कोई ऐसी सीबीआई और वो इनके पीछे लगा दी जाएगी, तो इसलिए हमारी जनता भी, जनता क्या करे, जनता के पास आजकल क्या नाम रोज़गार नहीं है, जनता के पास से इतनी धन नहीं है, धन घर में रखो तो मुश्किल, जमा करने जाओ तो मुश्किल, सबसे बड़ी दिक्कत जो पहले भी ऐसे हमारे बैंकों में कुछ ऐसे क्लर्क हुआ करते थे, वो बहुत सारी किताबें लिया करते थे, चूहों से बचाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संपत्ति धन उन सब चीज़ों की रखरखाव वो किया करते थे, लेकिन आज के डिजिटल होने के बाद भी
आज की डेट में अगर बैंक में करोड़ों रुपए जमा हैं आपका, तो 2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का एक फरमान आ गया है जी। और दूसरे आप भी यूज़ करते होंगे, ATM से यूज़ करिए तो भी आपको टैक्स देना है, और अगर आप रखेंगे पैसा तो भी टैक्स देना है, नहीं रखेंगे तो भी टैक्स देना है। मतलब हर तरह से आप दंड के अधिकारी हैं जी, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, इन्होंने दंड लेना ही लेना। कोरोना में इन्होंने पैसा मांगा, केंद्र सरकार ने पैसा मांगा PM फंड के तहत, लेकिन उसके बाद भी उसका हिसाब किताब नहीं दिया है। कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं मंदिर, कहीं हिंदू, कहीं पाकिस्तान, कहीं चीन, कहीं कुछ, और कर कुछ पा नहीं रहे हैं। 2-4 ही मुद्दे ये लेकर के चल रहे हैं। मुझे अब कि यही लग रहा है कि हो सकता है 2024 में उठा करके मतलब जो है वो कर देंगे उद्घाटन उसका मंदिर का, और जनता बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि हिंदुत्व से और धार्मिक मुद्दा जो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमें चाहे बताया जाए या ना जाए, हमने भगवान देखा नहीं देखा, बचपन से पैदा आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए, ना हमें किसी ने नहीं बताया, आपने किसी ने, लेकिन भगवान के प्रति इतनी बड़ी आस्था है कि हम भूले से भी नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए नहीं है तो पूजा करके निकलेंगे ठीक है। ये हम लोगों की पद्धति में और पूरी मतलब जो है हमारे पूर्वजों की जो वो है उस चीज़ को निभाते भी आ रहे हैं, और हमारी मानसिकता भी बनी हुई है। क्या यही कहेंगे तभी हम धर्म जानेंगे, यही कहेंगे तभी हमें पढ़ाई और शिक्षा थी। आजकल शिक्षा कितने शिक्षित वर्ग हो गए, कितने ITI और कितने नीट और दुनिया भरे का, रेलवे में अभी भी 69,000 की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको कहा था कि जो है आप जो है इनको भर्ती जो हो गए हैं इनको आप वो करिएगा, दीजिए नौकरी दीजिएगा, कितने बेचारे जो है मर गए होंगे, कितने की डेट एक्सपायर हो गई होगी, अभी तक इन्होंने जो है कोई भी अप्लाई नहीं किया। कितने बार ये फॉर्म निकालते हैं, इनका एक धंधा बन चुका है, फॉर्म निकालिए, फॉर्म के फीस जितनी भी है 1,000 की है, 500 की है या 200 की है, इन्होंने फीस लिया, और उसके बाद में कहीं तो कहेंगे ये मेरा पेपर लीक हो गया, कहीं कहेंगे दुर्घटना हो गई, कहीं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लगा देंगे, कहीं कहेंगे वो घपला हो गया कि किसी ने मुकदमा कर दिया। तो मतलब उस दरमियान ये कुछ न कुछ एक ऐसी बात करते हैं, और इनको ये पता है किसी भी सूरत में मुझे जीतना है, तो EVM में एक इनका मंत्र है, तो वो उस पे जो है अटके हुए। तो सच्चाई ये है कि ये ना कुछ करते हैं ना करते आए हैं, और जब भी इन्हें विकास कब नज़र आता है, जिस समय इलेक्शन होता है। आप गौर करना, आप तो चूंकि बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, हर किसी से बातचीत करते होंगे, आप खुद गौर करना, जिस समय इलेक्शन आएगा 6 महीने पहले वही रोड जो सही रोड होगी उसे खोद देंगे। मैं आपको दिखा दूंगा चल के, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मेरे सामने जो है मैं दिखा दूंगा। तो उसी समय रोड को खोदेंगे, उसी समय नाली को खोदेंगे, यानी निकलना दूभर कर देंगे, लोगों के दिमाग में ये पैदा कर देंगे कि देखिए मैं विकास कर रहा हूँ, लोग भूल ना पाए। हाँ देखिए जब भाई विकास कर रहे हैं जी, विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लेकिन कठिनाई कितनी होती है। इंजीनियर बेपढ़े लिखे ऐसे हैं, उसी रोड को बार बार, कभी सीवर लाइन, कभी टेलीफोन की, जैसे कि हमने ग्राहकों से बात की, उनका कहना है कि उनको यहाँ आते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे सड़कें सही नहीं है, सड़कें के साथ साथ यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई को लेकर के क्या कदम उठाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से कचरा फैला हुआ, नालियों की क्या क्या हालत है। तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर दुकानदार के साथ साथ ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिलाएं आ रही, निकल। तो ऐसी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।